Hello friends, how are you? I hope you all are healthy and well-being. So welcome back to my channel. Myself Abhishek Kumar, I am your biology mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the morphology of flowering plant. So I hope you really enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in description box and about section of my channel. So please go through about section of my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate with me. So watch the video and keep support. So start today's topic. So today's topic is the fruit. After that we discuss about the seed and what is monocot seed, what is dicot seed, each and everything we covered in this particular video. So I hope you really enjoy this video. So let's start without wasting your time. So first we read what is written in NCERT textbook. After that we elaborate each and everything with simple and easy language. So let's start. So the fruit is characteristic features of flowering plant. जो हमारा fruit होता है वो हमारे फ्लोरिंग प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक होता है, यानी फ्लोरिंग प्लांट में हमारे क्या होते हैं, फ्रूट्स पाए जाते हैं. फ्लोरिंग प्लांट हम किसको बोलते हैं, एनजीओ स्पर्म को बोलते हैं. ये हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ लिया था प्लांट किंगडम में. एनजीओ स्पर्म को हम फ्लोरिंग प्लांट बोलते हैं, ठीक है. एनजीओ स्पर्म को हम फ्लोरिंग प्लांट बोलते हैं, है ना. इट इज ए मैच्योर और राइपेंड ओवेरी. जो हमारा फ्रूट होता है वो क्या होता है, ये मैच्योर राइपेंड ओवेरी होती है. मैच्योर राइपेंड ओवेरी को हम फ्रूट बोलते हैं, जो कि डेवलप होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन. हमारा फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारा जो होता है फ्रूट बनता है. जो हमारी ओवेरी होती है वो हमारी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, सॉरी ओवेरी जो होती है हमारी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है. जो ओव्यूल होता है हमारा वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है. अभी हमने देखा था अपनी प्रीवियस वीडियो में, जो ओवेरी से होता है हमारा फ्रूट बनता है. ओवेरी से क्या बनता है हमारा, ओवेरी से हमारा बनता है फ्रूट बनता है, फ्रूट बनता है. और जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल से हमारा क्या बनता है, सीड बनता है. ओव्यूल से हमारा सीड बनता है, ठीक है. ये हमारा आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा फ्रूट बनता है. इफ़ ए फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवेरी, अगर हमारा जो फ्रूट हुआ बिना फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन के बना ओवेरी से, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उस फ्रूट को हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं. पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है हमारा फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो हमारा होता है फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, तो उसको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलेंगे, ठीक है. जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ ए वॉल और पेरिकॉर्प एंड ए सीड, ठीक है. जो हमारा होता है फ्रूट में क्या क्या होता है, फ्रूट में हमारी जो होती हैं वॉल होती हैं, फ्रूट वॉल को हम पेरिकार्प बोलते हैं और सीड होता है ना. फ्रूट के अंदर हमारा सीड होगा और उसकी जो वॉल होगी उसको हम पेरिकार्प बोलते हैं. द पेरिकार्प होती हैं ड्राई हो सकती हैं, फ्लेसी हो सकती हैं. फ्लेसी का मतलब रसीली, ठीक है, रसीली होगी भाई, मतलब रसीली होगी तो वो एडिबल होगी, यानी वो खाने योग्य होगी. ड्राई मतलब वो सूखी होगी, तो उसको हम खाने योग्य नहीं मानेंगे, ठीक है. व्हेन पेरिकार्प इज थिक, जब हमारी पेरिकार्प होती है वो थिक होती है एंड फ्लेसी होती है, इट इज डिफ्रेंशिएट आउटर एपिकार्प, मिडिल मीजोकार्प है, इनर इंडोकार्प. जब हमारी पेरिकार्प जो होती है वो अगर हमारी थिक होगी और फ्लेसी होगी तो वो हमारी डिफ्रेंशिएट हो जाती है. आउटर जो होती है हमारी, आउटर चीज को बोलते हैं एपिकार्प, मिडिल को बोलते हैं मीजोकार्प और इनर को बोलते हैं हम इंडोकार्प, है ना. हमारी जब वो पेरिकार्प फ्लेसी होगी और थिक होगी तो हमारी तीन चीज़ में डिफ्रेंशिएट हो जाएगी. आउटर जो होगी इसको एपिकार्प बोलेंगे, मिडिल वाले को मीजोकार्प बोलेंगे और हम इनर वाले को इंडोकार्प बोलेंगे. तो हमको इसमें दिखाया गया है पार्ट ऑफ फ्रूट्स, हमको दिखाए गए हैं जो हमको पार्ट्स ऑफ फ्रूट दिखाया गया है. हमको मैंगो का दिखाया गया है और कोकोनट का दिखाया गया है. तो हमारा जो कोकोनट का जो सॉरी मैंगो का जो हमारा है एपिकार्प है, ये बारीक कवरिंग है. मीजोकार्प जो होता है हमारा वो एडिबल होता है. मैंगो का हमारा मीजोकार्प जो होता है वो एडिबल होता है. मैंगो का जो हमारा मीजोकार्प होता है वो एडिबल होता है. जो हमारा सीड होता है वो स्टोनी होता है, ठीक है. और जो हमारा इसमें कोकोनट में जो होता है हमारा, कोकोनट में हमारा क्या होता है, खाने योग्य भाग होता है हमारा, ये एडिबल होता है, एडिबल होता है बट लिक्विड एंडोस्पर्म, ठीक है, एडिबल होता है. और इसमें जो होता है इसका जो मीजोकार्प होता है हमारा, कोकोनट का मीजोकार्प जो होता है हमारा, कोकोनट का जो मीजोकार्प बाहर का हमको दिख रहा है, ये हमारा जो है ये हमारा फाइब्रस है, ठीक है. जबकि हमारा मैंगो में जो था ये हमारा एडिबल था, ठीक है. देख लेते हैं इन मैंगो एंड कोकोनट, मैंगो और कोकोनट में द फ्रूट नोन एज ड्रूप. जो हमारे मैंगो और कोकोनट के जो होते हैं इनको हम
इन फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, ड्रूप बोलते हैं, है ना। जिसमें सिंगल सीड होगा, सिंगल सीड होए तो उसको हम ड्रूप बोलेंगे, है ना, सिंगल सीड वाले को हम ड्रूप बोलेंगे। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पली सुपीरियर ओवेरी, ये हमारे जो डेवलप होते हैं किससे किससे, ये हमारे ड्रूप जो डेवलप होते हैं, ड्रूप फ्रूट डेवलप होते हैं हमारे कहाँ से, डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पली सुपीरियर ओवेरी एंड वन सीडेड, है ना, मोनोकार्पली सुपीरियर ओवेरी से डेवलप होते हैं वन सीडेड से, ठीक है। तब मैंगो, इन मैंगो यानी इन मैंगो में जो हमारा पेरिकार्प होता है वेल डिफ्रेंशिएटेड, आउटर जो हमारा थिन होता है जिसको हम एपिकार्प बोलते हैं, मिडिल जो हमारा फ्लैसी होता है जिसको हम एडिबल बोलते हैं, जो मीजोकार्प होता है, और हमारा इनर जो होता है स्टोनी होता है ना, हार्ड एंडोकार्प बोलते हैं, जो यानी हमारे जो मैंगो में क्या होगा, मैंगो में जो हमारा होगा आउटर जो होगा, मैंगो में जो हमारा पेरिकार्प होता है वो हमारा डिफ्रेंशिएट होता है, आउटर जो होता है थिन होता है वो एपिकार्प होता है, मिडिल जो होता है हमारा वो फ्लैसी होता है और एडिबल होता है जिसको हम मीजोकार्प बोलते हैं, जो इनर होता है वो स्टोनी हार्ड होता है जिसको हम एंडोकार्प बोलते हैं। यानी हमारा मैंगो में जो बाहर का फ्लैसी होगा थिन होगा उसको हम एपिकार्प बोलेंगे, मिडिल वाले को मीजोकार्प बोलेंगे जो कि हमारा एडिबल होगा, और जो हमारा इनर होगा हार्ड होगा स्टोनी होगा जिसको हम सीड बोलते हैं वो हमारा एंडोकार्प होता है, ठीक है। और इन कोकोनट भी हमारा ड्रूफ है ना, कोकोनट भी हमारा क्या है, वो ड्रूफ है, कोकोनट आल्सो ए ड्रूफ। इसमें जो होता है मीजोकार्प होता है वो फाइब्रस होता है, मीजोकार्प जो होता है फाइब्रस होता है, बट इसमें जो होता है खाने योग्य होता है लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, हमारा खाने योग्य होता है, जो हमारा कोकोनट में जो एडिबल होता है, एडिबल जो होता है इसमें लिक्विड एंडोस्पर्म, जो कोकोनट में खाने योग्य होता है लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, जो मैंगो में खाने योग्य होता है वो मीजोकार्प होता है, बट जो मीजोकार्प होता है कोकोनट का वो हमारा फाइब्रस होता है, बट हमारा मैंगो का जो मीजोकार्प होता है वो एडिबल होता है। अब हम देखते हैं सीड के बारे में, सीड के बारे में क्या है, जो हमारा जो सीड बनता था हमारा वो ओव्यूल से बनता था, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता था तो हमारा जो सीड था ओव्यूल था हमारा वो सीड में डेवलप हो जाता था, और हमारा जो ओवेरी था वो हमारी फ्लूइड में डेवलप हो जाती थी। तो वही हमको टेस्ट में दिया गया, देख लेते हैं। द सीड द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इन टू सीड, जो हमारा ओव्यूल था आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा सीड में डेवलप हो रहा था। ए सीड मेड अप ऑफ सीड कोट, है ना, जो हमारा सीड होता है उसमें एक सीड कोट होगा एंड एक एम्ब्रियो होगा, है ना, हमारा सीड होगा उसमें क्या क्या होगा, सीड कोट होगा और हमारा एम्ब्रियो होगा। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ द रेडिकल, है ना, एम्ब्रियो जो हमारा रेडिकल से बनता है, रेडिकल मेड अप ऑफ ए रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस को हम कॉटिलेडॉन बोलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, कॉटिलेडॉन बोलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस को कॉटिलेडॉन बोलते हैं, कॉटिलेडॉन्स, है ना, एम्ब्रियोनल एक्सिस को हम कॉटिलेडॉन्स बोलते हैं। इसमें कि एक होगी तो इसको मोनोकॉड बोलेंगे, है ना, अगर एक कॉटिलेडॉन है तो उसको हम मोनोकॉड बोलेंगे, अगर दो हैं तो उसको हम डाइकॉड बोलेंगे, है ना। तो एम्ब्रियो मेड अप ऑफ द रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस, अगर वन है तो इसको हम वीट बोलेंगे, वीट में हमारे यानी वीट भी मोनोकॉड होता है, मेज भी हमारे क्या होती हैं, ये मोनोकॉड होती हैं, मोनोकॉड होती हैं वीट और मेज हमारे मोनोकॉड होते हैं, है ना। और टू है, अगर टू कॉटिलेडॉन है तो हमारे ग्राम और पी, तो ग्राम और पी जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, डाइकॉट होते हैं, यानी इसमें क्योंकि दो डाइकॉट होते हैं यानी दो कॉटिलेडॉन होते हैं इसलिए हम उसको डाइकॉट बोलते हैं, ठीक है। अब हमको स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉटिलेडॉन सीट का, हमको एग्जांपल डाइकॉट सीट का स्ट्रक्चर हमको दिखाया गया है, इसमें आगे बताया गया है। तो आउटर कवरिंग जो होती है हमारी, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड इज सीड कोट, जो हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो सीड की हमारी क्या होती है, वो सीड कोट होती है। द सीड कोट हैज टू लेयर्स, सीड कोट में हमारी दो लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी लेयर होती हैं, सीड कोट की जो लेयर होती है इन आउटर जो होती है हमारी वो टेस्टा, जो आउटर लेयर होगी वो हमारी टेस्टा होगी और इनर जो होगी हमारी वो टेगमेन होगी, यानी सीड कोट के पास टू लेयर होती हैं, आउटर जो होगी उसको हम टेस्टा बोलेंगे और इनर वाली को हम टेगमेन बोलेंगे, ये हम याद रखेंगे, हमको क्वेश्चन पेपर में हमारे आता है, ये क्वेश्चन आ जाता है, इनर लेयर क्या होती है, आउटर लेयर क्या होती है सीड कोट की, है ना, मैचिंग में दे देगा हमको या स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में दे देगा या ऑप्शनल क्वेश्चन में दे देगा, नीट के एग्जाम में भी आते हैं क्वेश्चन, इसको हम याद रखेंगे। यानी सीड कोट की जो टू लेयर्स होती हैं, आउटर को हम टेस्टा बोलते हैं, इनर को हम टेगमेन बोलते हैं, ठीक है। द हाइलम इज ए स्कार, है ना, हाइलम एक खांच होती है, स्कार मतलब एक खांच, स्कार मतलब बोलेंगे हम खांच बोल सकते हैं इसको, खांच मतलब एक स्ट्रक्चर होता है खांच के टाइप में, ठीक है, स्कार ऑन द सीड कोट,
हाइलम होता है, एक स्कार होता है, खांच होती है सीड कोट में, थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वर अटैच टू फ्रूट। हाइलम क्या होता है हमारा? हाइलम होता है एक खांच होती है सीड कोट में, एक खांच होती है जिसमें हमारा जो डेवलपिंग सीड होता है वो हमारा फ्रूट से अटैच होता है। इसका मतलब ये कि हाइलम जो होता है एक खांच होती है जिसमें हमारा जो डेवलपिंग सीड होता है वो हमारा फ्रूट से अटैच होता है। एवब द हाइलम ए स्मॉल पोर, हाइलम के ऊपर है ना, हाइलम के ऊपर एक स्मॉल पोल पोर होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, है ना, माइक्रोपाइल होता है। विद इन द सीड सीड कोट इन द एम्ब्रियो कंस्टिट्यूंट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, है ना, एंड टू कॉटिलेडॉन, जो उसमें तो है कि हमारा एवब द हाइलम एक स्मॉल पोर होता है जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं, और हमारे क्या होता है विद इन द सीड कोट एन एम्ब्रियोनल एम्ब्रियो कंस्टिट्यूंट कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है एंड टू कॉटिलेडॉन होते हैं, है ना, क्योंकि हम डाइकॉट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उसमें टू कॉटिलेडॉन हो गए, हमको टू कॉटिलेडॉन देखने को मिलेंगे। एवब द कॉटिलेडॉन और ऑप्टन फ्लैसी, अगर हमारे कॉटिलेडॉन होंगे तो वो फ्लैसी होंगे एंड फुल रिजर्व फूड मटेरियल, है ना, अगर उनमें फ्लैसी होंगे तो उनमें रिजर्व फूड मटेरियल होगा, है ना, एट द टू एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट एंड रेडिकल एंड प्लीम्यूल, है ना। इसमें जो टू एम्ब्रियोनल एक्सिस होती हैं, रेडिकल से हमारी रूट राइज होती थी, प्लीम्यूल से हमारा शूट राइज होता था, मैंने देखा था रूट और शूट वाले चैप्टर उसमें टॉपिक पे, ठीक है। एट द टू एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंटेड रेडिकल एंड प्लीम्यूल, रेडिकल से हमारा क्या था रूट बनता था, रेडिकल से हमारा क्या बनता था रूट बनता था, प्लीम्यूल से हमारा क्या बनता था शूट बनता था, प्लीम्यूल तो हमारा शूट बनता था, ठीक है। इन सम सीड सच एज कैस्टर, जो हमारा कैस्टर होता है तो इसमें क्या होता है, ये हमारा एक्सेप्शन है डाइकॉट का, इसमें हम देख लेंगे। इन सम सीड सच एज कैस्टर इंडोस्पर्म फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, जो हमारा होता है इसका इंडोस्पर्म कैस्टर का बनता है वो हमारे डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है। इज ए फूड स्टोरिंग टिश्यू एंड कॉल्ड इंडोस्पर्मिक सीड, इसमें जो होता है फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है ना, इसको हम इंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। जो हमारे डाइकॉट होते हैं, जो डाइकॉट सीड होते हैं हमारे, डाइकॉट जो सीड होते हैं, डाइकॉट जो होते हैं हमारे, डाइकॉट जो होते हैं हमारे मोस्टली मोस्टली नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं, नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं, नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं, जो हमारे होते हैं डाइकॉट सीड होते हैं मोस्टली नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं, यानी उसमें इंडोस्पर्म बचता नहीं है, वो सीड के डेवलप के टाइम में वो जो होता है रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो कंज्यूम हो जाता है, इसमें कोई रिजर्व फूड मटेरियल नहीं बचता है। बट हमारा जो डाइकॉट में जो हमारा कैस्टर है ना, ये कैस्टर डबल फर्टिलाइजेशन का है एग्जाम्पल, कैस्टर होता है डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है, ये जो होता है हमारा इंडोस्पर्मिक होता है, इंडोस्पर्मिक होता है, ये हमारा एक्सेप्शन है, एंडोस्पर्मिक है, इंडोस्पर्मिक होता है, पर कैस्टर होता है वो डाइकॉट होता है, डाइकॉट है, बट ये इंडोस्पर्मिक है, ये हमारा क्या है एक्सेप्शन है, इसको हम याद रखेंगे, एक्सेप्शन है ये, ठीक है, ये हमारा जो है कैस्टर जो हमारा एक्सेप्शन है, इसको हम याद रखेंगे ट्रिपल स्टार से, ठीक है, ये क्वेश्चन में आ जाता है। उसके आगे हम देखते हैं कैस्टर जो होता है हमारा क्या था, इन सम सीड सच कैस्टर इंडोस्पर्मिक फॉर्म एज द रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, यानी हमारा डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है। इन फूड स्टोरिंग टिश्यू जिसको कॉल होते हैं इंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। इन सच प्लांट बीन ग्राम एंड पी द इंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर सीड एंड सच सीड आज कॉल नॉन इंडोस्पर्मस, ठीक है। इसका मतलब यह है ये हमारे डाइकॉट के सीड हैं, हमारे बीन है, ग्राम है और पी है, इनमें जो होता है इंडोस्पर्म जो है नहीं बचता है मेच्योर सीड में, मेच्योर सीड में इंडोस्पर्म नहीं बचता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं, जिसको मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे डाइकॉट होते हैं मोस्टली नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं, बट हमारा जो कैस्टर है वो डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है और ये हमारा जो है एक्सेप्शन है, ये हमारा इंडोस्पर्मिक है, ठीक है। इसको हम स्ट्रक्चर हमको दिया गया, डाइकॉट का स्ट्रक्चर दिखाया गया हमको, ये हमको ग्राम का एग्जाम्पल सॉरी हाँ ग्राम का फिगर दिया गया है, यानी चने का फिगर दिया गया है, ठीक है। जो हमारा आउटर है वो सीड कोट हो गया, इसमें सीड कोट में टू लेयर्स होती थी, आउटर जो थी हमारी है ना, आउटर थी इनर थी, आउटर इनर लेयर थी हमारी टेस्टा और टेगमेंट, ठीक है।
टेस्टा और टेगमेंट जो हमारी लेयर थी सीड कोट की थी, ठीक है। उसके बाद हाइलम था, हाइलम था एक स्कार्फ लाइक था स्ट्रक्चर हमारा, हाइलम था माइक्रोफाइल था, है ना। और जो हमारे इसमें डाइकॉट में जो हम बता रहे थे आपको कॉटिलेडॉन, ये हमारा रेडिकल से हमारा क्या एराइज होगा, रेडिकल से हमारा रूट बनेगा, आर से रेडिकल, आर से रूट, और इससे प्लूमिल से हमारा सूट बनेगा, सूट बनेगा। और ये हमारी कॉटिलेडॉन यानी में टू कॉटिलेडॉन एम्ब्रियोनल एक्सिस ये हमारी होगी, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी, है ना। इसमें दो कॉटिलेडॉन जुड़े हैं, एक ये कॉटिलेडॉन एक ये कॉटिलेडॉन, टू कॉटिलेडॉन है, इसलिए इसको हम डाइकॉट बोलते हैं, ठीक है। जब हम ग्राम के यानी चने के या मटर के उसको दाने को फोड़ेंगे तो उसमें टू टुकड़ों में 20 रिज होती है, वो हमारा टू अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है, इसीलिए हम इसको डाइकॉट बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट, मोनोकॉट के बारे में देख लेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलेडॉनिक सेट, मोनोकॉट सीट के बारे में देखेंगे। जनरली मोनोकॉट सीट आर इंडोस्पर्मिक, है ना। जो हमारे मोनोकॉट सीट होते हैं जनरली इंडोस्पर्मिक होते हैं, जो डाइकॉट होते हैं जनरली नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं। बट सम एज इन ऑर्किड जो हमारा होता है, जो हमारा उसमें एक्सेप्शन, ऑर्किड जो हमारा होता है वो नॉन इंडोस्पर्मिक होता है ना, ये इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है इसका जो है, ये एक्सेप्शन है इसका मोनोकॉट का। मोनोकॉट का एक्सेप्शन क्या है, ऑर्किड है, ऑर्किड जो होता है मोनोकॉट का होता है, बट ये नॉन इंडोस्पर्मिक होता है ना। बट जो इंडोस्पर्मिक होते हैं वो जनरली मोनोकॉट होते हैं, यानी मोनोकॉट सीट होंगे वो जनरली इंडोस्पर्मिक होते हैं, बट ऑर्किड एक्सेप्शन है, ये नॉन इंडोस्पर्मिक होगा। बट हमारे डाइकॉट में जो एक्सेप्शन था वो हमारा क्या था, कैस्टर था, कैस्टर था जो डबल फर्टिलाइजेशन से बनना था, उसको होना तो चाहिए इंडोस्पर्मिक बट था नॉन होना तो चाहिए नॉन इंडोस्पर्मिक बट था वो इंडोस्पर्मिक, क्योंकि वो भी एक एक्सेप्शन था, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ऑर्किड और नॉन इंडोस्पर्मिक इन द सीड ऑफ सीरियल्स, सीरियल्स मतलब होते हैं अनाज, सीरियल्स मतलब अनाज, अनाज गेहूँ बाजरा जौ मक्का ये सब हमारे अनाज में आते हैं। इन द सीड सीरियल सच एज मेज, द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस, यानी मेज में होता है सीड कोट जो होता है मेम्ब्रेनस होता है, एंड जनरली फ्यूज विद द फ्लूड वॉल, और हमारा जो सीड कोट होता है वो फ्लूड वॉल से फ्यूज होता है ना। सीड कोट जो होता है मेम्ब्रेनस होता है मेज में, और ये जनरली फ्यूज विद फ्लूड वॉल, फ्लूड वॉल से फ्यूज होता है। द इंडोस्पर्म इज बल्की, जो इसका इंडोस्पर्म होता है बल्की होता है, एंड स्टोर फूड, यह स्टोर फूड को स्टोर करता है। द आउटर कवरिंग ऑफ इंडोस्पर्म सेपरेटेड द एम्ब्रियो बाई प्रोटीनेसियस लेयर कॉल्ड एल्यूलर लेयर, जो हमारे जो हमारे इसमें होते हैं मोनोकॉट में होते हैं, एक मेज में होता है एक लेयर होती है एल्यूलर लेयर होती है, ये किससे बनी होती है, प्रोटीनेसियस लेयर होती है, यानी प्रोटीन की बनी होती है, मेड अप ऑफ प्रोटीन, मेड अप ऑफ प्रोटीन, हमारी प्रोटीन की बनी होती है, हमारी मेज में जो होती है एक एम्ब्रियोनल एम्ब्रियो को सेपरेट करती है एक लेयर होती है प्रोटीनेसियस लेयर होती है एल्यूलर लेयर होती है, ठीक है। द कवरिंग ऑफ द आउटर कवरिंग ऑफ इंडोस्पर्म सेपरेटेड द एम्ब्रियो बाई ए प्रोटीनेसियस लेयर कॉल्ड एल्यूलर लेयर, यानी इंडोस्पर्म इंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से सेपरेट करती है एक लेयर, वो प्रोटीनेसियस लेयर होती है, ठीक है, हमारी मोनोकॉट में पाई जाती है मेज में। द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन ए ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म, इसका एम्ब्रियो होता है वो स्मॉल होता है और एक ग्रूव में खांच में वो सिचुएटेड होता है वन एंड, है ना, एक एंड पे सिचुएटेड होता है एंडोस्पर्म में। इट इज कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड सील्ड शेप कॉटिलेडॉन नोन एज स्क्लूटेलम, ये एक लार्ज होता है ना, इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज सील्ड शेप कॉटिलेडॉन जिसको हम स्क्लोटिलम बोलते हैं। स्क्लोटिलम हमारा कहाँ पे पाया जाता है, ये मोनोकॉट में पाया जाता है, स्क्लोटिलम हमारा कहाँ पे पाया जाता है, मोनोकॉट में पाया जाता है। एंड इज शॉर्ट एक्सिस विथ ए प्लूमूल एंड रेडिकल, और एक शॉर्ट एक्सिस होती है, एक प्लूमूल होता है एक रेडिकल होता है, जो हमारा प्लूमूल से हमारा सूट बनता है रेडिकल से हमारी रूट बनती है। इन प्लूमूल सॉरी द प्लूमूल एंड रेडिकल, प्लूमूल एंड रेडिकल इनक्लोज इन सीट विथ कॉल्ड क्लियोपटाइल एंड कोरोलाइजा, है ना, क्लियोपटाइल एंड कोलियोराइजा, यानी हमारी प्लूमूल को हमारी एक सीट कवर करेगी, प्लूमूल को हमारी सीट कवर करेगी इसको क्लियोपटाइल बोलेंगे, और जो रेडिकल को सीट कवर करेगी इसको हम बोलेंगे क्लियोराइजा, क्लियोराइजा, ठीक है। अब इसके लिए हम देख लेते हैं प्लूमूल कन्फ्यूजिंग है, दोनों सेम मिलते जुलते वर्ड हैं, जिसको हम कैसे याद करेंगे, इसमें प्लूमूल में हमारा पी आया है, प्लूमूल में हमारा क्या आया है, पी आया,
प्लीमेल में हमारा पी आया और यहाँ कुलियोपटाइल में भी हमारा पी आया, तो हमारा पी पी से हो गया, यानी प्लीमेल में हमारा कुलियोपटाइल आएगा, प्लीमेल में हमारा कुलियोपटाइल आएगा, ठीक है। और हमारा रेडिकल में हमारा क्या आया, रेडिकल में हमारा आर आया स्टार्टिंग में, और कोलियोराइजा में हमारा आर आया। तो यहाँ आर आर से हम इसमें देख लेंगे कि हमारे जो हो गई रेडिकल में क्या होगा, हमारा कोलियोराइजा होगा, ऐसे हम याद कर लेंगे, ठीक है, कनेक्ट करके याद कर लेंगे तो कन्फ्यूजिंग नहीं होगा, वरना कन्फ्यूज हो जाएंगे, भूल जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा सिली मिस्टेक में। तो हमारा प्लीमेल में पी आया, कुलियोपटाइल में पी आया, तो हमारा मतलब कुलियोपटाइल से प्लीमेल कवर्ड होगा, ठीक है, और जो हमारा रेडिकल से, रेडिकल जो कवर्ड होगा वो कुलियोराइजा से, ठीक है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, हमको स्ट्रक्चर दिखाया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट्रेट, मोनोकॉट्रेट का स्ट्रक्चर दिखाया गया हमको, ये हमको मेज का दिखाया गया है, ये हमारा एम्ब्रियो है, ये इसके हमारा एंडोस्पर्म है ना, ये हमारा जो होता है न्यूट्रिशन एक तरह का होता है, एंडोस्पर्म जो होता है हमारा न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन होता है जो डेवलपिंग सीड में एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को हमारा एज ए न्यूट्रिएंट यूटिलाइज करेगा, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो इसको एज ए न्यूट्रिएंट यूटिलाइज करेगा, ठीक है। अब हमको ये जो हमको दिया गया है, ये हमारा इसको एलोवेरा लेयर वगैरह इसमें दिखाया गया, हमारा ये एंडोस्पर्म हो गया, हमारा ये स्क्लेरोटिलम हो गया, फील्ड शेप होता है स्क्लेरोटिलम, और ये हमारा कुलियोपटाइल, जो हमारा क्लियोपटाइल यानी प्लीमेल पे आएगा, है ना, ये हमारा प्लीमेल को जो हमारा कवर कर रहा है, ये हमारा क्लियोपटाइल कवर कर रहा है, और जो हमारा रेडिकल, ये हमारा ये रेडिकल है, रेडिकल को जो कवर कर रहा है हमारा कोलियोराइजा, कोलियोराइजा कवर कर रहा है ना। और ये जो हमारा है, ये आउटर जो हमारी सीड कोट है, सीड कोट आउटर कवरिंग जो सीड कोट और फ्लूइड वॉल है, और ये जो हमारी लेयर जो हमको दिखाई गई, ये लेयर हमारी ये प्रोटीनेसियस लेयर होती है, प्रोटीन की बनी होती है, ये हमारी प्रोटीन की लेयर होती है, प्रोटीन की लेयर होती है, जो हमारी एलुला लेयर जिसको बोलते हैं, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट के जो सेमीटेक्निकल टर्म होते हैं, एंड्रोसियम गैनोसियम को किससे डिनोट करते हैं, कैलिक्स करोला को किससे डिनोट करते हैं, अब हम फैमिली के बारे में देखेंगे, हमारी एनसीईआरटी में फैमिली दी गई, तीन फैमिली हैं, फैबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी, है ना। फैबेसी फैमिली को हम दाल वाली फैमिली बोलते हैं, यानी फल्स फैमिली बोलते हैं, और जो हमारी सोलेनेसी फैमिली होती है उसको हम पोटैटो फैमिली बोलते हैं, और लिलिएसी फैमिली को हम लिली फैमिली बोलते हैं, जो कि हमारी मोनोकॉट है। वो हम ईस्ट एंड कॉन्सेप्ट विद डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, तो आई होप यूर लिंग दिस वीडियो। तो फर्स्ट वी रीड व्हाट इज रिटन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, आफ्टर दैट वी एलाबोरेट ईच मैकेनिज्म इन दिम सिंपल लैंग्वेज, इन अवर लैंग्वेज, ओके। सो स्टार्ट विद मी, लेट स्टार्ट। तुम्हारा आज का टॉपिक है सेमी टेक्निकल टर्म, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, है ना। उसको कुछ टेक्निकल टर्म होते हैं जो हमारे डिस्क्रिप्शन में होते हैं फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, तुम देख लेते हैं। वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज टू डिस्क्राइब ए फ्लावरिंग प्लांट, हमारे बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल टर्म जो थे, फीचर्स थे हमारे फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए गए थे, है ना। द डिस्क्रिप्शन हैज टू बी ब्रीफ, है ना, जो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए गहरा होना चाहिए, इन ए सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज में होना चाहिए, प्रेजेंटेड इन ए प्रॉपर सिक्वेंस, है ना। जो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए वो हमारा एक ब्रीफ होना चाहिए, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, यानी उसके बारे में हम हर चीज़ जान लें, और वो हमारा जो होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए, और साइंटिफिक लैंग्वेज में होना चाहिए, यानी उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में होना चाहिए, और प्रेजेंट इन ए प्रॉपर सिक्वेंस, और प्रॉपर सिक्वेंस में होना चाहिए। द प्लांट इज डिस्क्राइब बिगनिंग विद इट्स हैबिटाट, जो प्लांट होता है वो डिस्क्राइब होता है उसके हैबिटाट से, है ना, कहाँ पे वो पाया जा रहा है, हैबिटाट का मतलब कहाँ पे वो पाया जा रहा है, वास स्थान जिसको बोलते हैं, हैबिटाट को बोलते हैं वास स्थान, कहाँ पे वो पाया जा रहा है। उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं हमारे, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, रूट स्टेम लीफ जो होते होते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द फ्लावर सॉरी प्लांट होते हैं, वेजिटेटिव ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट होते हैं रूट स्टेम लीफ, है ना। एंड देन फ्लावर कैरेक्टर्स, फ्लावर कैरेक्टर्स में क्या होते हैं हमारे, इनफ्लोरेसेंस आते हैं, है ना, फ्लावर पार्ट्स आते हैं, फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, कैलिक्स क्या होता है, करोला क्या होता है, एंडोसियम क्या होता है, गैनोसियम क्या होता है ना, सेपल क्या होता है, पेटल क्या होता है, यू चैन एवरी थिंग, ये फ्लावर पार्ट्स में आते हैं। आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट, और प्लांट के वेरियस पार्ट को डिस्क्राइब करना, ए फ्लावर डाइग्राम एंड ए फ्लावर फार्मूला आर प्रेजेंटेड, जो हमारा फ्लावर फार्मूला होता है, फ्लावर डाइग्राम होता है, ये हमारे इसीलिए प्रेजेंट किए जाते हैं, इसीलिए बनाया होता है कि हमारे जो इसके कैरेक्टर्स के बारे में सब देख लें, इसके पार्ट्स के बारे में देख लें, ठीक है। द फ्लावर फार्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाई सिंबल, जो फ्लावर फार्मूला होता है उसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, जो फ्लावर फार्मूला में होंगे वो हमारे क्या होंगे, सिंबल होंगे,
द फ्लावर फार्मूला रिप्रेजेंटेड बाई सम सिंबल, इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं है ना। इन फ्लावर फार्मूला बी आर, बी आर यानी बी आर स्टैंड फॉर ब्रैक्टीरिएट, बी आर स्टैंड फॉर ब्रैक्टीरिएट यानी वो उसमें ब्रैक्टीरिएट पाए जाएंगे, यानी ब्रैक्ट ब्रैक्ट जो बट लाइक स्ट्रक्चर था मैंने आपको बताया था वो ब्रैक्टीरिएट पाया जाएगा है ना, तो उसको बोलते हैं। और के स्टैंड फॉर कैलिक्स, के जो होता है वो कैलिक्स को स्टैंड करता है, कैलिक्स जो होता है आउटर मोस्ट पार्ट होता है जो ग्रीन होता है ठीक है। और जो सी से होता है हमारा करोला होता है, सी से हमारा करोला होता है। पी फॉर होता है पेरियंथ, पी फॉर पेरियंथ होता है, जब हमारा कैलिक्स यानी कैलिक्स और करोला ठीक है, जो हमारा कैलिक्स और करोला, कैलिक्स और करोला जो हमारा होता है वो हमारा फ्यूज हो जाता है, यूनाइट हो जाता है, तो उसको हम पेरियंथ बोलते हैं। पेरियंथ जो होता है कैलिक्स करोला यूनाइट होते हैं, कैलिक्स करोला, कैलिक्स करोला करोला यूनाइट होते हैं, उसको बोलते हैं पेरियंथ ठीक है, उसको बोलते हैं पेरियंथ कंडीशन ठीक है। ए ए होता है पेरियंथ को हम बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं जो कैलिक्स करोला यूनाइट होते हैं। ए से हमारा होता है एंडोसियम और जी से हमारा होता है गैनोसियम। एंडोसियम जो होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और जो हमारा गैनोसियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और जो हमारा ये होता है जी, जो हमारा जी है यानी गाइनोसियम है, उसके नीचे बार लगा है यानी बार के ऊपर हमारा जी है, तो उसका मतलब होगा सुपीरियर ओवरी है ना। ये बार जो होता है उसके ऊपर अगर जी है यानी जी उसके ऊपर बैठा हुआ है, तो यानी सुपीरियर है, सुपीरियर ओवरी है। और जो ये जो बार है ना, बार जो है तो अगर वो जी उसके नीचे तो हमारी ओवरी होगी वो इन्फीरियर ओवरी हो जाएगी ठीक है। ये जो हमारा होता है, ये जो सिंबल होता है हमारा मेल का रिप्रेजेंट करता है, जो मेल का होता है सिंबल, ये होता है सिंबल मेल का होता है। और ये जो हमारा होता है सिंबल, ये हमारा होता है फीमेल का, ये जो सिंबल होता है हमारा फीमेल का होता है। अब हम इसमें क्या है, बाइसेक्सुअल कंडीशन के लिए हमारा मेल और फीमेल दोनों दिखा दिया गया है, उसी में देखो नीचे मेल पार्ट, सॉरी नीचे फीमेल पार्ट है, ऊपर मेल पार्ट है, तो यानी इसमें मेल और फीमेल दोनों यानी बाइसेक्सुअल प्लांट हो गया वो ठीक है, दोनों उसमें पाए जाएंगे। और एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री हमने बहुत बार पढ़ी है ना, ये रेडियल सिमेट्री होगी, बराबर इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है वो ठीक है, तो इसको एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। बायलैटरल सिमेट्री को सिंबल जो होता है वो परसेंटेज से हम डिनोट करते हैं, परसेंटेज होते हैं बायलैटरल सिमेट्री और जाइगोमॉर्फिक, बायलैटरल सिमेट्री और जाइगोमॉर्फिक होता है हमारा ठीक है। फ्यूजन इज इंडिकेट बाई इनक्लोजिंग द फिगर विद इन द ब्रैकेट, अगर कहीं पे फ्यूजन हो रहा है तो उसको हम ब्रैकेट में इनक्लोज कर लेंगे है ना, ब्रैकेट में हम उसको इनक्लोज कर लेंगे, तो हमारा ये फ्यूजन को डिनोट करेगा, इसको डिनोट करेगा फ्यूजन को, फ्यूजन यानी वो फ्यूज हो रहा है ठीक है, फ्यूजन को डिनोट करेगा। एंड एडिशन बाई लाइन, और उसके ऊपर जो हम ऐसे कर देंगे और उसके ऊपर लाइन कर देंगे, तो ये हमारा एडिशन को डिनोट करेगा, फ्यूजन और एडिशन को ठीक है। द फ्यूजन इज इंडिकेट बाई द इनक्लोजिंग द फिगर विद इन द ब्रैकेट एंड एडिशन बाई ए लाइन ड्रॉ अबव द सिंबल ऑफ फ्लोरा पार्ट, फ्लोरा पार्ट के ऊपर जो हम ब्रैकेट कर देंगे तो फ्यूज हो जाएगा, उसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर देंगे तो एडिशन का हो जाएगा ठीक है। ए फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, जो हमारा फ्लोरा डायग्राम होता है वो हमारे हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। फ्लोरा डायग्राम प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट, अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर के पार्ट का नंबर क्या है ना, उनका अरेंजमेंट क्या है, एंड रिलेशन दे हैव विद वन अनदर, और एक दूसरे से उनका रिलेशन क्या है, उसके बारे में हमको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। जो हमारा एक फ्लावर डायग्राम होता है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर के नंबर, अरेंजमेंट के बारे में, रिलेशन देम विद अनदर, एक दूसरे से रिलेशन के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। द पोजिशन ऑफ मदर एक्सिस, मदर एक्सिस क्या होती है, मदर एक्सिस की पोजिशन जो होती है हमारी, द पोजिशन ऑफ मदर एक्सिस इज रिस्पेक्ट टू फ्लावर रिप्रेजेंटेड बाई द डॉट, डॉट स्ट्रक्चर से हम ऐसे डॉट स्ट्रक्चर से मदर एक्सिस की हम पोजिशन को डिनोटेड करते हैं। ऑन टॉप ऑफ फ्लावर डायग्राम, फ्लावर डायग्राम के टॉप पे हम मदर एक्सिस को डिनोट करते हैं डॉट से ठीक है। ये हम सब देख लेंगे, फिगर बना हुआ है उसमें हम आपको बता दूंगा, फिलहाल हम डिस्क्रिप्शन टेस्ट में पढ़ ले रहे हैं। जो कैलिक्स करोला एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम जो होते हैं हमारे, कैलिक्स और करोला जो होते हैं हमारे, कैलिक्स और करोला जो होते हैं हमारे एसेसरी होते हैं,
एसेसरी वॉल होते हैं, एसेसरी वॉल होते हैं, एसेसरी वॉल होते हैं बस एंडोसियम और गायनोसियम जो होते हैं हमारी रिप्रोडक्टिव वॉल होते हैं, ये हमने पढ़ा था ठीक है। आर ड्रॉन सक्सेसफुली वॉल कैलिक्स बींग द आउटर मोस्ट, कैलिक्स जो होता है हमारा आउटर मोस्ट होता है एंड गायनोसियम बींग इन सेंटर, जो हमारा गायनोसियम होगा वो हमारा कहाँ होगा सेंटर पे होगा, कैलिक्स जो होगा हमारा वो आउटर मोस्ट होता है। फ्लोरल फार्मूला आल्सो सो कोएसन एंड एडिशन विद इन पार्ट ऑफ वॉल बिटवीन द वॉल, जो कोएसन और फ्लोरल फार्मूला होता है हमारा कोएसन एडिशन शो करता है ना, एडिशन होता है हमारा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बीच में और जो कोएसन होता है सेम चीज़ों के बीच में है ना। सो द फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला जो हमका फिगर 5.20 पर दिया गया रिप्रेजेंटेड द मस्टर्ड फैमिली, मस्टर्ड प्लांट का दिया गया हमको, मस्टर्ड प्लांट का दिया गया जिसकी फैमिली जो होती है ब्रेस कैसी होती है यानी सरसों की फैमिली होती है, ये हम देख लेते हैं इसका फिगर, ये हमको फिगर दिया गया है ठीक है। फ्लोरल डायग्राम इसमें जो हमको दिखाया गया था मदर एक्सिस, जो जो हमारा डॉट है इसको मदर एक्सिस से डिनोट करते हैं, मदर एक्सिस से डिनोट करते हैं ठीक है। ये हमारे कैलिक्स करोला एंडोसियम और गैनोसियम वगैरह हो गए हमारे ठीक है। जो हमारा इसकी जो हमको दिखाया गया है ये एक्टिनोमार्फिक, इसका जो हमको फ्लोरल डायग्राम ये हमारा फ्लोरल फार्मूला है ठीक है। इसमें हमको क्या दिखाया गया है ये हमारा इससे पता चला एक्टिनोमार्फिक है, प्लस का सिंबल बना हुआ है ब्रैकेट के अंदर ठीक है, बाइसेक्सुअल कंडीशन है और इसमें टू के मल्टीपल में है ना, टू के मल्टीपल में कैलिक्स 2+2 यानी एक्टिनोमार्फिक हो गई, बाइसेक्सुअल हो गई ठीक है, और कैलिक्स 2+2 हो गई यानी जो होगी ये हमारी टेट्रामेरस, टेट्रामेरस फैमिली हो जाएगी, टेट्रामेरस, टेट्रामेरस हो जाएगी यानी टू के मल्टीपल में, और जिसमें कैलिक्स करोला जो हैं वो 4 हैं ठीक है, एंड्रोसियम है हमारे वो 2+2 हैं यानी ये 2+4 है सॉरी 2+4 है, और जो इसमें गाइनोसियम है, गाइनोसियम जो हमारा गाइनोसियम 2 है, बट इसमें जो ओवेरी है क्या है सुपीरियर ओवेरी, सुपीरियर सुपीरियर, क्योंकि हमारे जो है ये जी बार के ऊपर है ठीक है, ये 2-2 के मल्टीपल में है तो ये हमारा टेट्रामेरस फैमिली है ठीक है, हमारी ब्रेस्केसी फैमिली जो है टेट्रामेरस होती है। अब हम देते हैं फैमिली के बारे में, फर्स्ट फैमिली हमारी है फैबेसी, फैबेसी के बारे में पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फैमिलीज है ना, कुछ इंपॉर्टेंट फैमिली के बारे में, फर्स्ट फैमिली जो हमारी है क्या है फैबेसी, फैबेसी को हम पल्थ फैमिली बोलते हैं, पल्थ फैमिली, फैमिली ठीक है, पल्थ फैमिली बोलते हैं। तो दिस फैमिली वाज अर्लियर कॉल्ड पेप्लियोनोइडी है ना, इस फैमिली को हम पहले जो बोलते थे अर्लियर मतलब पहले बोलते थे क्या बोलते थे पेप्लियोनोइडी, पेप्लियोनोइडी है ना, पेप्लियोनोइडी ए सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनोसी, जो पेप्लियोनोइडी थी ये हमारी सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनोसी थी यानी लेग्यूमिनोसी की एक सब फैमिली थी जिसको हम पेप्लियोनोइडी बोलते हैं। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये हमारा जो होता है ये पूरे संसार में फैली हुई होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है पूरे संसार में हमारी ये फैबेसी फैमिली फैली हुई होती है यानी लेग्यूमिनस होते हैं, लेग्यूमिनस यानी दाल वाली जो होती है हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड में होते हैं ठीक है। इसकी वेजिटेटिव कैरेक्टर देख लेते हैं, वेजिटेटिव से पता चल रहा है हमारा वेजिटेबल, वेजिटेबल यानी वनस्पति कैरेक्टर, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी पढ़ो बहुत मजा आता है यार, वनस्पति कैरेक्टर, पत्ति कैरेक्टर, वनस्पति कैरेक्टर जो होते हैं इसके लक्षण होते हैं, वनस्पति कैरेक्टर्स क्या होते हैं इसमें जो होंगे ट्री होगा, इसके जो पेड़ होंगे वो क्या होगा वो ट्री होंगे, श्रब होंगे, हरब होंगे, रूट विथ रूट नोड्यूल है ना, ये जो कैरेक्टर होता है रूट नोड्यूल, रूट नोड्यूल जो होता है ये लेग्यूमिनस में ही पाया जाता है भाई है ना, लेग्यूम में ही पाया जाता है ये लेग्यूम का कैरेक्टर है रूट नोड्यूल ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है रूट नोड्यूल में क्या होता है, ये किस में पाया जाता है ना, और पल्विनस, ये रूट नोड्यूल और पल्विनस है ना, ये हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं ये लेग्यूम के होते हैं, लेग्यूम के होते हैं, ये क्वेश्चन में आते हैं ठीक है। इसके जो क्या है वेजिटेटिव कैरेक्टर में देख लेंगे ट्री होगा, इसके जो पेड़ होंगे श्रब होंगे है ना, श्रब मतलब झाड़ियाँ, और हर में भी होंगे रूट भी होंगी, और इसमें रूट में जो होंगे वो रूट नोड्यूल होंगे। स्टेम जो होगा इसका क्या होगा, स्टेम जो होगा इरेक्ट होगा है ना, और क्लेम्बर होगा,
इजेक्ट मतलब सीधा होगा, ठीक है, इजेक्ट मतलब सीधा सीधा ऐसे सीधा सीधा स्टेम होगा, ठीक है। और जो इसकी लीफ होगी, लीफ क्या होंगी इसकी, अल्टरनेट होंगी, इसकी लीफ में जो होगा अल्टरनेट होंगी, और पिनेटली कंपाउंड होंगी, पिनेटली कंपाउंड भी हो सकती हैं, सिंपल लीफ भी हो सकती हैं। और जो लीफ बेस होगा, लीफ बेस होगा वो पल्विनस होगा, जो लीफ बेस होगा वो पल्विनेट होगा, यानी लीफ बेस जो होगा सॉलिड होगा, लीफ बेस सॉलिड, सॉलिड यानी फूला हुआ, फूला हुआ, ठीक है, फूला हुआ जो होगा लीफ बेस इसका होगा फूला हुआ होगा यानी सॉलिड होगा। और स्टिप्यूलेट होंगे, यानी इसके लीफ बेस में स्टिप्यूल्स पाए जाएंगे, है ना, स्टिप्यूल्स पाए जाएंगे, जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था लीफ बेस में होते हैं स्टिप्यूल्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो वेनेशन होता है, वेनेशन होगा वो रेटिकुलेट वेनेशन होगा, रेटिकुलेट वेनेशन क्यों होगा, क्योंकि हमारी ये डाइकॉट है, डाइकॉट में हमारे क्या होगा रेटिकुलेट वेनेशन होता है, हमने आपको ट्रिक से बताया था, है ना, डाइकॉट टैप रूट रेटिकुलेट वेनेशन DTR, डाइकॉट टाइप रूट रेटिकुलेट वेनेशन मैंने आपको ट्रिक से बताया था, इसीलिए इसमें डाइकॉट है ये जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन होगा, ओके। हमको इसके फिगर दिए गए हैं, फिगर हम बाद में देखेंगे, इसके हम पहले टेस्ट में देख लेते हैं। फ्लावर कैरेक्टर, इसके फूलों के कैरेक्टर्स के बारे में, वो तो हमारा वेजिटेटिव कैरेक्टर था, अभी हमको फ्लावर्स कैरेक्टर के बारे में दिखाया गया है। इसमें क्या फ्लावर कैरेक्टर में इन्फ्लोरेसेंस जो होगा हमारा रेसमोस होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में इन्फ्लोरेसेंस देखा था, रेसमोस होगा इसमें जो होगी कॉन्टिन्यूस ग्रोथ होगी, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी एक्सिस की, ठीक है, यानी एक्सिस जो होगा कॉन्टिन्यूस ग्रोथ करेगा, फ्लोरल एक्सिस जो होगा वो कॉन्टिन्यूस ग्रोथ करता जाएगा, ठीक है। इसमें जो होगी इसमें जो इसमें फ्लावर जो टर्मिनेट टर्मिनेट टर्मिनल पे फ्लावर नहीं आएगा वो इसकी एक्सिस जो होगी ग्रो करती जाएगी। फ्लावर जो होंगे इसके बाइसेक्सुअल होंगे, बाइसेक्सुअल यानी मेल और फीमेल दोनों होंगे एक ही में, ठीक है। और इसके जाइगोमॉर्फिक होगी, जाइगोमॉर्फिक यानी बाइलेटरल सिमेट्री होगी, बाइलेटरल सिमेट्री होगी, ठीक है, बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री होगी। बाइसेक्सुअल का मतलब इसमें मेल और फीमेल, यानी ये फीमेल पार्ट होगा ऊपर इसकी मेल पार्ट होगा, तो यानी ये बाइसेक्सुअल कंडीशन होगी, फ्लावर बाइसेक्सुअल होंगे, जाइगोमॉर्फिक होंगे। इसके जो कैलिक्स होंगे, कैलिक्स की यूनिट जो होती है सेपल होती है ना, मैंने आपको बताया था कैलिक्स यूनिट होती है सेपल होते हैं, यानी सेपल होंगे वो पाँच होंगे। गैमोसेपेलस होंगे, यानी गैमोसेपेलस यानी फ्यूज होंगे, ठीक है, यानी फ्यूज होंगे। और वॉल्वेट, वॉल्वेट और इम्ब्रिकेट स्टिवेशन होगा, इसमें वॉल्वेट और इम्ब्रिकेट स्टिवेशन होगा। इसमें हमारा जो होता है कैलिक्स में इसके होते हैं वॉल्वेट और इम्ब्रिकेट स्टिवेशन होता है ना, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम होते हैं कि हमारे जो फेबेसी फैमिली के कैलिक्स में होते हैं, हमको एग्जांपल दे देगा फेबेसी फैमिली का, यानी पी का एग्जांपल दे दिया, किसी का दे दिया, फेबेसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनमें ये पूछेगा कैलिक्स में जो होते हैं इसके कैलिक्स में किस टाइप का एस्टिवेशन है, तो उसमें होते हैं इम्ब्रिकेट वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है। और जो उसके करोला में कौन सा एस्टिवेशन होता है, करोला में हमारा वेलवेट वैगलरी एस्टिवेशन होता है, ये हमसे पूछ लेता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट उसको मानेंगे। हमको याद रखना पड़ेगा कि फेबेसी फैमिली के जो कैलिक्स में होते हैं उसमें कौन सा एस्टिवेशन होता है, और जो करोला में होता है वो कौन सा एस्टिवेशन होता है, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। जो करोला होता है, करोला की यूनिट होती है पेटल होती है, इसमें जो होते हैं पेटल होते हैं फाइव होते हैं, पॉली पेटलस होते हैं, यानी पॉली मतलब फ्री हो सकते हैं, है ना, ये होते हैं फ्री हो सकते हैं, पॉली मतलब फ्री हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं। पेप्लियोनियसिस होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ ए पोस्टीरियर स्टैंडर्ड, जो मैंने आपको बताया था पोस्टीरियर स्टैंडर्ड जो था, पोस्टीरियर था स्टैंडर्ड था, है ना, जो लार्ज था, और टू लेटरल विंग थे, जिसको हम बोल देते हैं टू लेटरल विंग थे, ठीक है, इसको हम विंग बोल लेते हैं, जो उससे स्टैंडर्ड से कवर्ड थे। जो टू एंटीरियर जो थे सामने सामने थे वो इसको हम कील बोल रहे थे, है ना, कील बोल रहे थे, जो कि हमारे विंग इनको कवर किए हुए थे। जो स्टैंडर्ड वाले थे वो विंग को कवर किए थे, जो विंग वाले थे वो कील को कवर किए हुए थे, ठीक है। और जो कील थे इनक्लोजिंग स्टेमन एंड पिस्टिल, जो हमारे कील जो थे वो स्टेमन और पिस्टिल को इनक्लोज किए हुए थे, ठीक है। और इसमें जो था वैगलरी स्टिवेशन था, तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारे स्टैंडर्ड थे, है ना, जो हमारे स्टैंडर्ड थे तो वो हमारे टू लेटरल विंग वाले को कवर किए हुए थे, और जो विंग वाले थे वो एंटीरियर जो सामने थे वो दो कील को कवर किए हुए थे, और जो हमारे कील थे वो हमारे स्टेमन और पिस्टिल को कवर किए हुए थे। ये कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ पे समझ सकते हैं, अच्छे से समझ लेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। और इसमें जो होते हैं एस्टिवेशन होता है वो वैगलरी एस्टिवेशन होता है, यानी हमारे जो इस एस्टिवेशन को हम वैगलरी एस्टिवेशन बोलते हैं, हमारे कोरोला में पाया जाता है ना। अब एंडोसियम होते हैं, इसमें एंडोसियम होते हैं टेन होते हैं,
टिन होते हैं, ठीक है, इसमें डाई डल्फस होते हैं, यानी बंडल होते हैं, दो बंडल होंगे, डाई टू बंडल होंगे इसमें, है ना, टू बंडल होंगे इसमें, टू बंडल में होंगे डाई डल्फस एंड एंथर जो होगा डाई थिकस होगा, डाई थिकस यानी दो थीका होंगे, है ना, डाई थिकस यानी टेट्राड होगा, डाई थिकस होंगे जो दो थीका हो गए, बट इसमें जो चैम्बर होंगे एक थीका में दो चैम्बर होते हैं, यानी तो टेट्राड हो जाएगा, ठीक है। जो गाइनोसियम होते हैं, गाइनोसियम होती हैं, जो ओवेरी होगी इसकी सुपीरियर ओवेरी होगी, ओवेरी जो होगी वो सुपीरियर होगी, और मोनोकार्पलरी होगी, यूनिलॉकुलर होगी, विद मेनी ओबिल्स, बहुत सारे ओबिल्स होंगे, और स्टाइल जो होगी सिंगल होगी। अब इसमें देखते हैं हम जो इसकी ओवेरी होगी सुपीरियर, क्योंकि इसमें गाइनोसियम जो है जी जो है बार के ऊपर है, इसलिए हमारी जी जो गाइनोसियम है सुपीरियर है। मोनोकार्पलरी जो हमारी जो फैबेसी फैमिली है एक नंबर पर आती है, उसके बाद हमारी सीक्वेंस जो है सीक्वेंस के बेसिस पे जो फैबेसी फैमिली एक फर्स्ट नंबर पे, फिर हमारा सोलेनेसी, फिर हमारा लिलियसी। तो हमारा सीक्वेंस के बेसिस पे हमारा जो गाइनोसियम है, तो हमारे इसमें फैबेसी फैमिली का वन सीक्वेंस है, तो इसमें हमारी जो वो इसकी होगी मोनोकार्पली होगी, यूनिलॉकुलर होगी, ऐसे हम याद कर लेंगे, ठीक है। तो फैबेसी फैमिली गाइनोसियम का सीक्वेंस वन है, तो यानी मोनोकार्पली और यूनिलॉकुलर विद मेनी यूबिल्स और स्टाइल सिंगल होगी इसमें, ठीक है। फ्रूट जो होंगे इसमें लेग्यूम होंगे, क्योंकि लेग्यूमिनस फैमिली की है ना, दाले वाली फैमिली। सीड होंगे वन टू मैनी, एक से ज़्यादा सीड हो सकते हैं, और नॉन एंडोस्पर्मिक होंगे, क्योंकि डाइकॉट जो होती है हमारी वो नॉन एंडोस्पर्मिक होती है, ठीक है। और फ्लोरल फार्मूला इसको दिया गया है, फ्लोरल फार्मूला में यानी ये हमारा जो दिया गया है ये हमारा जाइगोमॉर्फिक दिया गया है, ठीक है। इसमें बाइसेक्सुअल दिखाया गया है, मेल और फीमेल दोनों है। कैलिक्स जो हमारे पाँच हैं, पाँच हैं जो हमारे फ्यूज हैं, ठीक है, पांच ब्रैकेट जो था हमारा फ्यूज के लिए था, तो पांच है फ्यूज हैं। और जो हमारा कैलिक्स करोला जो था हमारा वन प्लस टू प्लस टू, टू जो हमारे लास्ट वाले हैं वो हमारे फ्यूज हैं। और एंडोसियम नाइन प्लस वन, यानी टेन है हमारे एंडोसियम थे, जिसमें कि नाइन डाइडल्फस कंडीशन में थे ना, हमारे टेन जो थे, टेन में हमारे नाइन जो फ्यूज हैं, एक जो हमारा सेपरेट है फ्री है। और जो गाइनोसियम था हमारा, गाइनोसियम जो था वो सुपीरियर ओवरी थी, इसमें सुपीरियर ओवरी थी, ठीक है, यूनिलॉकुलर था और मोनोकार्पली था। तुम ये देख लेंगे इसका जो हमारा, ये हमारी जो फैमिली है, ये हमारी जो फैबेसी फैमिली है, ये हमारी दाल वाली फैमिली होती है। इसका जो हमको ये इसमें जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलेक्स जो पाँच है, करोला इसके वन प्लस टू प्लस टू, ये हमारा जो यूनिक है, ये हमारा जो यूनिक है, इसके अलावा और इस टाइप का किसी पे भी नहीं देखा जाता है। तो ये हम फैबेसी फैमिली को हमको फ्लोरल फार्मूला देके हमको पूछ लेते हैं ये किस फैमिली का फ्लोरल फार्मूला है, और उसके एग्जांपल दे देंगे, है ना। और जो इंडोसियम हमारा नाइन प्लस वन, और गाइनोसियम जो हमारा सुपीरियर ओवेरी वन होता है यूनिलॉकुलर, ठीक है। इसके जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं। ये जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, ये होते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट का मतलब होता है जो ह्यूमन काइंड के लिए इकोनॉमिक, इकोनॉमिक जो मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है, मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल हो। और जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं, नॉट इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, ठीक है। तो हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट में देखेंगे, मेनी प्लांट बिलोंग टू द फैमिली आर सोर्सेस ऑफ पल्सेस, यानी इस फैमिली यानी फैबेसी फैमिली से जो मेम्बर्स बिलोंग करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सोर्स होते हैं पल्सेस का, दालों का सोर्स होते हैं। यानी दाल कौन कौन सी होती है हमारी, ग्राम यानी चने की दाल, अरहर की दाल, और सेम होती है हमारे, सेम भी हो तो हमारा होता है, ये भी हमारी दाल है, और मूंग होती है हमारी, और सोयाबीन होते हैं, है ना, ये हमारी दालें होती हैं, यानी दालों का सोर्स हो गया। और जो हमारी एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल यानी खाने योग्य, खाने योग्य ना, एडिबल यानी खाने योग्य, खाने योग्य जो तेल होता है, ऑयल होता है, तो हम कौन कौन सा यूज ऑयल होता है, सोयाबीन का ऑयल होता है, ठीक है, ग्राउंड नट ऑयल होता है, ग्राउंड नट यानी मूंगफली का ऑयल, मूंगफली का, मूंगफली का ऑयल जो होता है हमारा, ये ग्राउंड नट ऑयल होता है, ठीक है। और जो हमारी डाई होती है ना, डाई जो हम कलर करते हैं, डाई ये हमारी होती है इंडिगोफेरा, इंडिगोफेरा है ना, इंडिगोफेरा जो हमारी ये डाई होती है, इसमें ये हमारी मेंबर है, हमारा फैबेसी फैमिली का मेंबर है। और जो हमारे फाइबर्स होते हैं, फाइबर जो होते हैं हमारा, एक सनेम फाइबर होता है, सनेम फाइबर होता है, ये भी हमारा फैबेसी फैमिली में पाया जाता है ना, ये हमारे ह्यूमन काइंड के लिए यूज मिलाते हैं इसको। जो फूडर होता है, फूडर यानी चारे के रूप में, चारे के रूप में जो हम अपने एनिमल्स को खिलाते हैं, जानवरों को खिलाते हैं, है ना। तो इसमें हमको दो एग्जाम्पल दिया गया है,
सिस्वानिया दिया गया है और ट्राईफोलियम दिया है। ट्राईफोलियम मतलब ट्राई मतलब तीन पत्ती, तीन पत्ती ठीक है, तीन पत्ती जो होती है हमारी ट्राईफोलियम होती हैं, इसको हम बोलते हैं बरसीम। बरसीम बरसीम जो कि हम अपने जानवरों को चारे में खिलाते हैं, है ना, एनिमल्स को चारे में खिलाते हैं, तो ये बरसीम होता है। इसमें ट्राईफोलियम बोलते हैं क्योंकि इसमें तीन पत्ती होती हैं। और जो हमारा ऑर्नामेंटल होता है, ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावट, सजावट के रूप में, सजावट के रूप में हम जो यूज करते हैं इसमें लुपिन होता है। सजावट के रूप में जो यूज करते हैं हम लुपिन होता है, स्वीट पी होता है ना, स्वीट पी होता है। और जो हम इसमें मेडिसिनल के यूज में यूज करते हैं, मेडिसिनल जो होता है हमारा मुलेठी होता है। मुलेठी जो होता है हमारा जब गला बैठ जाता है तो हम इसको मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं। मुलेठी हमारा जो होता है मेडिसिनल के यूज में आता है, ठीक है। तो हमारा फेवेसी फैमिली में जो सोर्सेस ऑफ पल्स का हो गया, हमारा ग्राम हो गया, अरहर हो गया, सेम हो गया, मूंग हो गया, सोयाबीन हो गया, और जो हमारा एडिबल ऑयल हो गया, एडिबल ऑयल यानी जो हमारा खाने योग्य तेल होता है वो हमारा सोयाबीन ऑयल होता है ना, ग्राउंडनट ऑयल होता है यानी मूंगफली का ऑयल होता है। और जो हमारी डाई होती हैं, डाई हमारे कलर में काम करने में आती हैं, तो उसका जो एग्जाम्पल हो गया हमारा इंडिगो फेरा हो गया। और जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो सनिम्ब होते हैं, है ना, सनेम फाइबर हो गया हमारा। और जो फूडर हो गया, फूडर यानी चारे के रूप में जो हम यूज करेंगे वो हम क्या यूज करेंगे, सिस्वानिया, सिस्वानिया और ट्राईफोलियम। जो ट्राईफोलियम होता है जिसको हम बरसीम बोलते हैं, जो कि हमारे जानवर एनिमल को हम जो खिलाते हैं, है ना, चारे के रूप में। और जो ऑर्नामेंटल हो गया, ऑर्नामेंटल का मतलब हो गया सजावट, यानी सजावटी रूप में हम जिसको यूज करेंगे तो लुपिन को यूज करेंगे, जो कि हमारा फेवेसी का मेम्बर है। और हमारे जो स्वीट पी होंगे, ठीक है, स्वीट पी को यूज करते हैं हम लोग। और मेडिसिनल जो हमारा जब गला बैठ जाता है, गले में हमारे खिचखिच होती है, तो हम मुलेठी को यूज करते हैं जो हमारे मेडिसिनल में आता है। तो ये हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट देख लिया फेवेसी के। अब हम नेक्स्ट फैमिली देखते हैं, फैमिली सोलेनेसी। फैमिली सोलेनेसी के बारे में देखते हैं, इट इज़ द लार्ज फैमिली। ये हमारी जो फैमिली है बहुत लार्ज फैमिली है ना, कॉमनली कॉल्ड पटैटो फैमिली, और इसको हम कॉमनली कॉल कहते हैं पटैटो फैमिली बोलते हैं। जो हमारी फेवेसी फैमिली थी उसको हम पल्स फैमिली बोलते थे, बट इसको हम बोलते हैं आलू वाली फैमिली, आलू फैमिली बोलते हैं इसको, आलू तो सभी खाते हैं भाई, आलू वाली फैमिली बोलते हैं, ठीक है, आलू फैमिली, आलू फैमिली बोलते हैं इसको, ठीक है। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स। ये हमारा जो होता है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, ट्रॉपिक्स में, सब ट्रॉपिक्स में, इवन टेम्परेट, यहाँ तक कि टेम्परेट रीजन पे भी, ठीक है। टेम्परेट का मतलब होता है जहाँ पे टेम्परेचर वेरी करें, ठीक है, टेम्परेचर जो होता है वेरी करें, तो इसको हम बोलते हैं टेम्परेट रीजन, ठीक है, टेम्परेट जोन, ठीक है। इसके जो वेजिटेटिव कैरेक्टर देख लेते हैं, यानी वनस्पतिक कैरेक्टर देखते हैं, यानी वनस्पतिक लक्षण देख लेते हैं, इसमें क्या क्या होता है। प्लांट जो होते हैं मोस्टली हर्ब होते हैं, इसमें जो जैसे हम पोटैटो का स्टेम देखेंगे तो मतलब हर्बेसियस होता है, मतलब लचीला होता है ना, हरा भरा होता है, वो ज़्यादा टाइट नहीं होता है, ज़्यादा स्टिप नहीं होता है, बट लचीला होता है, ठीक है। मोस्टली सर्ब होते हैं, मतलब ज़्यादातर होंगे वो जो, सॉरी, ज़्यादातर जो होंगे वो हर्ब होंगे। और जो सर्ब होंगे मतलब झाड़ियाँ होंगी, और रेयरली जो होंगे स्मॉल ट्री, बहुत कम ही मात्रा में स्मॉल ट्री होते हैं। जो इसका स्टेम होता है वो क्या होता है, हर्बेसियस होता है, हर्बेसियस होता है, रेयरली बूडी, मतलब वो खाने योग्य हो जाएगा, खाने योग्य एनिमल उसको खा सकें, ठीक है, एनिमल उसको खा सकें, वो हर्बेसियस होगा यानी लचीला होगा, बूडी नहीं होगा कि मतलब उसको एनिमल खा भी ना पाए बेचारे, ठीक है। और जो इसमें होगा इरेक्ट हो जाएगा, एरियल होगा, इरेक्ट होगा, है ना, सिलिंड्रिकल स्टेम होगा, ब्रांच होगा, और सॉलिड भी हो सकते हैं, ठीक है, सॉलिड भी हो सकता है। और हॉलो भी हो सकता है ना, हेरी और ग्लेबरस हो सकता है, अंडरग्राउंड स्टेम हो सकता है इन पोटैटो में, है ना, अंडरग्राउंड स्टेम जो हमारा होता है वो पोटैटो में होता है, अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है हमारा पोटैटो में होता है, जिसको हम सोलेनम ट्यूबरसम बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम होता है। इसमें जो लीव्स होती हैं वो अल्टरनेट हो सकती हैं, सिंपल हो सकती हैं, रेयरली पिनेटली कंपाउंड, इसमें पिनेटली कंपाउंड लीव बहुत ही कम मात्रा में होती हैं, एक्सपुलेटेड यानी इसमें स्टिपुलेट नहीं पाया जाएगा, इसमें जो वेनेशन होगा वो रेटिकुलेट वेनेशन होगा, ठीक है, रेटिकुलेट बिनेशन होगा। अब हमको यहाँ पे दिया गया है सोलेनम नाइग्रम मकोई प्लांट के बारे में दिखाया गया है, और इसके हमको फ्लावर के ट्यून्स दिखाए गए हैं, फ्लावर की जलसी सेक्शन दिखाया गया है ना, फ्लावर दिखाया है, उसका जलसी सेक्शन दिखाया गया है, और स्टेमेन कार्पल और फ्लावर डाइग्राम दिखाया गया है, ठीक है। ये हमारा मकोई का नाइग्राम, सोलेनम नाइग्रम का हमारा मकोई बोलते हैं।
बुध के फिगर दिखाए गए हैं, ठीक है। जो हमारा बी जो है इसका वो फ्लावर दिखाया गया है, और जो सी हमारा जो जलसी जलसी ऑफ फ्लावर यानी उसका सेक्शन दिखाया गया है, कटा हुआ सेक्शन दिखाया गया है, और जो डी हमारा स्टेमन के बारे में दिखाया गया है, और जो हमारा ई है वो हमारा कॉर्पल है, ये हमारे जो हैं कॉर्पल हैं, और ये हमारा जो फ्लावर डाइग्राम दिखाया गया हमको, ये हमारी फ्लावर की मदर एक्सिस होगी, ठीक है, ये वाली। तो हम इसमें देख लेते हैं फ्लावर कैरेक्टर के बारे में देख लेते हैं, फ्लावर कैरेक्टर के बारे में देख लेते हैं यानी इसके पुष्प के लक्षण, है ना। जो इसके इन्फ्लोसेंस होगा सॉलिटरी होगा, सॉलिटेयर होगा, सॉलिटेयर होगा, ठीक है, यानी वो अकेला होगा। सॉलिटेयर का मतलब होता है अकेला, अकेला, ठीक है, अकेला। और इसमें एक्साइल एक्सलरी और साइमोस एज इन सोलेनम, ठीक है। इन्फ्लोसेंस होगा रेसमोस और साइमोस, है ना, हमने बताया था आपको जो फवेसी हो फैमिली होती है और हमारी लिलिएसी फैमिली होती है, उसमें जो हमारा होता है वो रेसमोस इन्फ्लोसेंस होता है, बट हमारा जो सोलेनेसी में होता है उसमें हमारा क्या होता है, सोलेनेसी में हमारा साइमोस इन्फ्लोसेंस होता है, ठीक है। जो हमारा तो होता है फ्लावर होता है, इसमें फ्लावर जो होता है बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल मीन्स इसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे, ये वाला सिंबल आएगा, ठीक है। नीचे होगी फीमेल पार्ट, ऊपर हो गया मेल पार्ट, बाइसेक्सुअल कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। और एक्टिनोमार्फिक यानी जो हमारी फैमिली फवेसी एजेंसी आर्टी में हमको तीन फैमिली दिए गए हैं, फवेसी सोलेनेसी लिलिएसी। तो हमारी जो फवेसी फैमिली है वो सिर्फ जाइगोमार्फिक है यानी बायलेटरल सिमेट्री है, उसके बाद जो दोनों फैमिली हमारी वो हमारी एक्टिनोमार्फिक है यानी रेडियल सिमेट्री है। तो हमको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता, सिर्फ पहले की फैमिली जो यानी फवेसी को हम जाइगोमार्फिक देखेंगे, बाकी सभी को एक्टिनोमार्फिक मानेंगे, ठीक है, जो कि हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है। इसमें जो हमारे फ्लावर होंगे बाइसेक्सुअल होंगे, एक्टिनोमार्फिक होंगे यानी रेडियल सिमेट्री हो जाएगी, रेडियल सिमेट्री हो जाएगी, इक्वल आप में डिवाइड कर देगा किसी भी प्लेन से डालेंगे तो, ठीक है। कैलिक्स होगी, कैलिक्स की यूनिट होती है सिपल, इसमें फाइव होते हैं, यूनाइट होते हैं और परसिस्टेंट भी हो सकते हैं, और वॉलवेड एस्टिवेशन होता है। जो हमारे था वॉलवेड एस्टिवेशन था हमारे फवेसी में हमने देखा था, उसमें एक्सेप्शन था यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कैलिक्स और करोला दोनों में वॉलवेड एस्टिवेशन दिखाया गया है, बट हमारे जो फवेसी में था उसमें जो था कैलिक्स में एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन था, और इसमें हमारा था करोला में वैक्सिलरी एस्टिवेशन था हमारे फवेसी में, बट इसमें क्या है हमारे दोनों में वॉलबेड एस्टिवेशन है। जो एंडोसियम होता है, एंडोसियम में जो एंडोसियम स्टेमन होते हैं, स्टेमन यूनिट ऑफ द एंडोसियम, तो स्टेमन जो होते हैं फाइव होते हैं और एपिपेटलस होते हैं, है ना, एपिपेटलस होते हैं। और गाइनोसियम जो होता है हमारा, गाइनोसियम होते हैं बाइकार्पली होते हैं, ऑब्लिगेट फ्लेस होते हैं, है ना, बाइकार्पली ऑब्लिगेट फ्लेस होते हैं, और सिंकार्पस होते हैं, ना, सिंकार्पस यानी फ्यूज हो जाएंगी, है ना। और ओवेरी सुपीरियर होगी, बाइलोकुलर होगी, तो पहली ओवेरी जो होगी वो सुपीरियर होगी, क्योंकि इसमें देखो बार के ऊपर जी बना हुआ है, यानी सुपीरियर ओवेरी। बाइलोकुलर मैंने आपको बताया था जो सीक्वेंस है हमारा फवेसी का, सोलेनेसी का, लिलिएसी का, तो उसी के हिसाब से बाइलोकुलर यानी सेकंड सीक्वेंस में आएगा बाइलोकुलर एंड मेन्यूबिल्स हो जाएंगे, प्लेसेंटा सोलेन विद मेन्यूबिल्स, ठीक है। और फ्रूट जो होंगे इसमें बेरी और कैप्सूल होंगे, है ना, इसके फ्रूट जो होंगे बेरी हो सकते हैं और कैप्सूल हो सकते हैं। जो सीड होती है मैनी होते हैं, इसमें एक सीड से ज़्यादा हो सकते हैं, और जो इंडोस्पर्मस होते हैं इंडोस्पर्म सीड होते हैं, ठीक है। फ्लावर जो फ्लावर फार्मूला हमको क्या दिया गया है, फ्लावर फार्मूला के बारे में हमको दिखाया गया है। तो फ्लावर फार्मूला में हमको दिखाया गया है जो हमारा है, जो प्लस का है एक्टिनोमार्फिक यानी एक्टिनोमार्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स जो है फाइव हैं, और करोला भी फाइव हैं, ठीक है, और हमारा एंड्रोसियम भी फाइव हैं, और जो हमारा जी क्यू हैं ये हमारा जी सुपीरियर ओवेरी है। तो हमारे इसमें कैलिक्स और एंड्रोसियम जो हमारे इसमें क्या है वो दिखा रहे हैं, एडिशन दिखा रहे हैं हमको, ठीक है। तो हमारा ये जो है वो यूनिक है, यूनिक हमारा है फाइव 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 फ्यूज फ्यूज, ठीक है, ये फाइव 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 फ्यूज फ्यूज यानी कैलिक्स करोला जो हमारे वो फ्यूज हैं, ठीक है, और फाइव फाइव हैं, और एंड्रोसियम भी फाइव है हमारा, और जो गाइनोसियम है हमारा वो सुपीरियर ओवेरी इसमें सेकेंड नंबर पे बायलोकुलर है, ठीक है। ये हमको अच्छे से याद हो गया, इसके लिए क्या है कैलिक्स करोला जो हमारा फाइव 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 मतलब तीन बार फाइव फाइव, और उसके बाद जो हमारा कैलिक्स करोला ये हमको फ्यूज कर देंगे या ब्रैकेट में फ्यूज कर देंगे, और उसके बाद हमारा जी ग्रुप बाद में हमारा टू, ठीक है, यानी सुपीरियर ओवेरी हो जाएगी इसमें। ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट जो होंगे हमारे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट देखते हैं, मेनी प्लांट बिलोंग दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड, यानी इस फैमिली के जो प्लांट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो फूड का सोर्स होते हैं, ठीक है, खाने का
सोर्स होते हैं, जुगाड़ होते हैं खाने का। ठीक है, कौन कौन से होते हैं इसमें? टमाटो, टमाटो तो हम सभी जानते हैं, ब्रिंजल, बैंगन भाई सभी जानते हैं, पोटैटो है ना, यानी क्या क्या? पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल, ये हमारे हो गए। ठीक है, और हम स्पाइस में जो हम मसाले के रूप में मतलब चटपटे के रूप में खाएंगे तो क्या होगा हमारा, वो चिली हो जाएगा। स्पाइस में हम क्या होगा, चिली हो जाएगा। और जो हमारा मेडिसिनल होता है, इसमें मेडिसिनल जो होता है हमारा बेलेडोना और अश्वगंधा होता है। मेडिसिनल जो होता है हमारा इसमें बेलेडोना अश्वगंधा होता है, बट हमारा जो फैबेसी फैमिली में मेडिसिनल था वो क्या था, उसमें हम देखे थे मुलेठी, जो हमारा गले की खिचखिच दूर करती है मुलेठी। ठीक है, बट इसमें मेडिसिनल में क्या है हमारा, बेलेडोना और अश्वगंधा होता है। ठीक है, और जो इसमें फ्यूमिगेटरी, फ्यूमिगेटरी का मतलब होता है भाई नशे के रूप में यूज करेंगे, नशे के रूप में यूज करेंगे इसको, नशे के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, फ्यूमिगेटरी, फ्यूमिगेटरी में हम नशे के रूप में यूज क्या करते हैं भाई, तम्बाकू को, है ना। तम्बाकू तो सभी खाते होंगे, मतलब सभी क्या खाते होंगे, बहुत पुराने समय से लोग खाते आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया फ्यूमिगेटरी यानी तम्बाकू। ठीक है, ऑर्नामेंटल जो हो गया हमारा पिटूनिया, ऑर्नामेंटल जो हो गया इसमें हमारा पिटूनिया हो गया, ऑर्नामेंटल सजावट में रूप में यूज करेंगे इसको, सजावट में यूज करेंगे पिटूनिया को, पिटूनिया को बोलते हैं सजावट के रूप में यूज करेंगे। जो हमारा उसमें फैबेसी की फैमिली में था उसमें क्या था, लूपिन को यूज कर रहे थे, और हम क्या यूज कर रहे थे, स्वीट पी को यूज कर रहे थे, है ना। तो इसमें हम याद करने के लिए इतना कोई बड़ा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, कि हमको रॉकेट साइंस चाहिए तभी हमको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसके याद होंगे, सिंपल है यार। ठीक है, देख लेंगे याद हो जाएगा। फूड का सोर्स है हमारा टमाटो, ब्रिंजल और पोटैटो, यानी खाने में हम क्या क्या यूज करते हैं, आलू, टमाटर है ना, बैंगन तो हम सभी यूज करते हैं, ये तो कॉमन है। खाने में हम चिली भी डालते हैं, यानी हम स्पाइसी के लिए हम उसमें मिर्च भी डालते हैं, है ना। और इसमें एडिशनल क्या है, मेडिसिन, मेडिसिन में हम देखेंगे बेलाडोना और अश्वगंधा, अश्वगंधा जो हमारा होता है मसल्स को बिल्डअप बनाता है ना, मसल्स को बिल्डअप बनाता है, वेट गेन कराता है अश्वगंधा हमारा, अश्वगंधा का यूज होता है हमारा वेट गेन में, वेट गेन में हमारा जो होता है अश्वगंधा यूज होता है। और फ्यूमिगेटरी में हम तम्बाकू यूज करते हैं, अर्नामेंट में हम पिटूनिया यूज करेंगे ना। इतना कुछ ज़्यादा नहीं है टफ, आप याद कर सकते हैं ऐसे दो तीन बार पढ़ गए। ठीक है, अब फैमिली, हम नेक्स्ट फैमिली देखते हैं, लिलियसी फैमिली, लिलियसी फैमिली देखते हैं हमारी, कॉमनली कॉल्ड लिली फैमिली है ना, ये हमारी मोनोकॉट की फैमिली होती है, इसमें मोनोकॉट प्लांट रखे जाएंगे। कॉमनली कॉल्ड लिली फैमिली, लिली फैमिली कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोनोकॉट लेडरने प्लांट्स, इसमें जो हमारे होते हैं मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं, इट डिस्ट्रीब्यूट वर्ल्ड वाइड, ये हमारी जो होंगी वर्ल्ड वाइड पूरे संसार में फैली हुई होती है। ठीक है, इसके जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं, वनस्पति कैरेक्टर्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। पेरेनियल हर्ब, पेरेनियल हर्ब का मतलब होता है जैसे हमारा बनाना का पेड़ होता है, पेरेनियल हर्ब में आता है। ठीक है, विद अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड जो होते हैं बल्ब, कॉर्न और राइजोम। ठीक है, ये बल्ब, कॉर्न और राइजोम आते हैं हमारे, इसमें जो होते हैं हमारे लीव्स जो होती हैं मोस्टली वेसल होती हैं, लीफ जो होती हैं मोस्टली वेजल होती हैं, अल्टरनेट होती हैं, लीनियर होती हैं, स्प्लिट होती हैं यानी स्टिपुलेट नहीं पाया जाएगा इसमें, और पैरेलल बिनेशन होता है, यानी हमने आपको ट्रिक से बताया था, मैप, मैप वाली ट्रिक से मैंने बताया था आपको कि मोनोकॉट में क्या हो जाएगा, एडवेंटेटियस रूट हो जाएगी और पैरेलल बिनेशन हो जाएगा, और डाइकॉट का था DTR यानी डाइकॉट टाइप रूट और रेटिकुलेट बिनेशन। ठीक है, और इसमें फ्लोरल कैरेक्टर होते हैं, यानी इसमें पुष्प के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इन्फ्लोसेंस जो होगा सॉलिटेयर होगा, है ना, इन्फ्लोसेंस जो होगा सॉलिटेयर होगा, ये सॉलिटरी और साइमोस है, तो ये हमारा एक तरह का क्या है, एक तरह का हमारा ये रेसमोस ही है, एक तरह का हमारा ये क्या है, रेसमोस है, ये हमारा सॉलिटरी जो हमारा ये एक तरह का रेसमोस इसको बोलते हैं। ठीक है, रेसमोस है हमारा, और जो हमारा सोलेनेसी में था वो उसमें हमारा साइमोस था, फाइवेसी में हमारा रेसमोस था। अब फ्लावर जो था बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, फ्लावर जो होते हैं हमारे बाइसेक्सुअल होते हैं, हमने बताया था जो हमारी फाइवेसी फैमिली है सिर्फ उसमें जाइगोमॉर्फिक पाया जाएगा, बाकी हमारी जो जितनी भी फैमिली है हमारी बाइसेक्सुअल फैमिली तो है हमारी, बट हमारी जो सोलेनेसी और लिलियसी हमारी एक्टिनोमॉर्फिक है, बाकी हमारी जो फाइवेसी है वो हमारी जाइगोमॉर्फिक है, ये हम याद रखेंगे, सारी की सारी फैमिली हमारी बाइसेक्सुअल है, इसमें इतना बड़ा कन्फ्यूजन का कोई टॉपिक ही नहीं है। और पेरियंथ भी होते हैं हमारी, पेरियंथ हमने बताया था कैलिस और करोला जो हमारे यूनाइट हो जाते हैं तो उसको हम पेरियंथ बोलते हैं। ठीक है, इसमें पेरियंथ जो होते हैं ट्रिपल है ना, पेरियंथ की यूनिट जो होती है हमारी ट्रिपल होती है, ये 3+3 होते हैं, है ना, ऑप्टन यूनाइट इनटू ट्यूब, वॉल्वेड एस्टिवेशन इसमें होता है हमारा,
है ना, पेरिजेंथ में वॉल्वेट एस्टिवेशन होते हैं, और जिसको एंड्रोसियम होते हैं, एंड्रोसियम जो होते हैं स्टेमन जो होते हैं, एंड्रोसियम जो यूनिट होती है स्टेमन की 6 होते हैं है ना, 3+3 और ईपीटीपैलस होते हैं, ईपीटीपैलस होते हैं, यानी वो क्या होते हैं, जब हमारे पेरिजेंथ और एंड्रोसियम यूनाइट हो जाते हैं तो हम इसको ईपीटीपैलस बोलते हैं। ठीक है, गाइनोसियम जो होते हैं इसमें ट्राईकार्पली, यानी ये थर्ड फैमिली नंबर, थर्ड नंबर पे आ रही, तो इसमें ट्राईकार्पली हो जाएगी है ना, सिंग कार्पस यानी फ्यूज हो जाएगी। ओवेरी होगी इसमें सुपीरियर, सुपीरियर ओवेरी तो हमारी सभी में पाई जा रही थी, सुपीरियर ओवेरी। ठीक है, और ट्राईलोकुलर हो जाएगी क्योंकि थर्ड नंबर पे है, और मेनी ओवल्स होंगे और एक्सल प्रेजेंटेशन हो जाएगा, एक्सल प्रेजेंटेशन हो जाएगा। मैंने आपको बताया था सीक्वेंस के बेसिस पे अगर हम देखेंगे, जो ट्राईलोकुलर तीसरे नंबर पे आ रही तो ट्राईलोकुलर हो जाएगी है ना, ट्राईकार्पली हो जाएगी, सुपीरियर ओवेरी हो जाएगी, एक्सल प्रेजेंटेशन हो जाएगा, सिंकार्पस हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो फ्रूट होंगे कैप्सूल होंगे, फ्रूट इसके जो होंगे कैप्सूल होंगे और रेयरली बेरी होंगे। ठीक है, इसके सीड जो होंगे इंडोस्पर्मस होंगे, इंडोस्पर्मस होंगे क्योंकि जो हमारे मोनोकॉट होते हैं मोस्टली इंडोस्पर्मस होते हैं, मोनोकॉट जो होते हैं हमारे मोस्टली जो होते हैं हमारे इंडोस्पर्मस ही होते हैं, उनमें इंडोस्पर्म पाया जाता है। इसके फ्लोरल फार्मूला में देखते हैं, जो फ्लोरल फार्मूला जो होते हैं हमारे, इसमें ब्रैक्टेरिया हमको इसमें दिखाया गया है, इसमें हमको दिखा दिया गया ब्रैक्टेरिएट, एनसीईआरटी में हमारे फवेसी में और सोलेनेसी में हमारे ब्रैक्टेरिएट नहीं दिखाया गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रैक्टेरिएट नहीं है, वो भी ब्रैक्टेरिएट है पर उसमें दिखाया नहीं गया। ठीक है, इसमें जो हमारा एक्टिनोमार्फिक है ना, एक्टिनोमार्फिक या बाइक और बाइसेक्सुअल हो गई, ये एक्टिनोमार्फिक हो गया, ये हमारा जो होता बाइसेक्सुअल कंडीशन दिखा दिया गया हमको, ये बाइसेक्सुअल दिखाया गया। इसमें पेरिएंथ यानी कैलिक्स और करोला जब हमारे फ्यूज आते हैं पेरिएंथ बनता था, और इनमें एंडोसियम, इसमें ये देखो बहुत सिंपल है यार याद करने के लिए, हमारे लिलियसी थर्ड नंबर पे आती है, तो यानी ये हमारी ब्रैक्टेरिएट, ब्रैक्टेरिएट हो गई, ये ब्रैक्टेरिएट ना लिख लो पहले हम इसको याद कर लेते हैं। ठीक है, ये एक्टिनोमार्फिक हो गई, बाइसेक्सुअल हो गई, ठीक है, कैलिक्स और करोला फ्यूज हो गए तो हम उसको पेरिएंथ बोलें। ये थर्ड नंबर पे आ रही है ना, 3+3 ये हमारे जो पेरिएंथ थे, ट्रिपलेट थे है ना, ये हमारे फ्यूज थे। ठीक है, और एंड्रोसियम जो था हमारा ये भी 3+3 ये हमारे फ्यूज नहीं है, जो गाइनोसियम है हमारा ये भी 3 है, ट्राईलोकुलर है, तो हमारा इसमें सब में ये थर्ड नंबर पे है तो 3-3-3 आ रहा है इसमें, तो यानी जो पेरिएंथ है 3+3 करके इनको हम फ्यूज कर देंगे है ना, कोष्टक में कर देंगे, और एंड्रोसियम जो होगा हमारा 3+3 करेंगे उसको हम फ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और जो हमारा पेरिएंथ और एंड्रोसियम बीच में हमारे ये दोनों अपना एडिशन तो कर रहे हैं। ठीक है, और जो गाइनोसियम हमारा वो सुपीरियर ओवरी हो जाएगा, उसमें 3 हो जाएगा, यानी थर्ड नंबर पे आ रही ये जो हमारा होगा ये फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं हम। मेनी प्लांट्स बिलोंग टू दिस फैमिली आर गुड ऑर्नामेंटल, इस फैमिली से बहुत सारे मेंबर्स होते हैं वो गुड ऑर्नामेंटल होते हैं, यानी सजावट के रूप में अच्छे तरीके से यूज होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सजावट में यूज होते हैं। इसका जो सजावट के ऑर्नामेंटल में यूज होएगा क्या क्या यूज हो जाएगा, टूलिप हो जाएगा, टुलिप ऑफ ग्लोरेसिया। ठीक है, टुलिप ऑफ ग्लोरेसिया जो होगा सजावट के रूप में यूज हो जाएगा, और जो सोर्स ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का सोर्स जो हमारा एलोय होता है, एलोवेरा है ना, एलोय, एलोय तो हम जानते हैं है ना, मेडिसिनल के रूप में यूज होता है, और वेजिटेबल में जो होता है हमारा एस्परागस, यानी सब्जी के रूप में जो हमारा यूज होगा वो एस्परागस होगा, एंड जो हमारा कोल्चिसिन, जो कोल्चिसिन होता है ये हमारा कोल्चिसिन होता है, ये कोल्चिसिन जो हमारा होता है ये निकलता है हमारा कोल्चिकम एटूमिनल्स है ना, कोल्चिकम एटूमिनल्स जो होता है ये माइटोटिक पॉइजन होते हैं, माइटोटिक पॉइजन जो होता है हमारा ये हमारा क्या करता है, पॉलीप्लॉइडी काज करवा देता है, ये पॉलीप्लॉइडी काज करवा देता है हमारे प्लांट में। ठीक है, ये प्लांट में हमारे क्या कराता है, पॉलीप्लॉइडी काज करवाते हैं प्लांट में पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी इसलिए हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं माइटोटिक पॉइजन बोलते हैं, जो कि हमारे प्लांट में जो होते हैं पॉलीप्लॉइडी कॉज करवा देता है। पॉलीप्लॉइडी जो एल्कोलाइड होता है, कोल्चिसिन होता है, ये हमारा कोल्चिकम एल्टोमाइन से निकलता है, जो हमारे प्लांट में पॉलीप्लॉइडी कॉज करवा देता है, अरेस्टिंग द स्पिंडल फॉर्मेशन। स्पिंडल का फॉर्मेशन जो होता है वो अरेस्ट हो जाता है, वो स्पिंडल का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद रखेंगे, ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो होता है माइटोटिक पॉइजन जो होता है प्लांट में
पॉलीप्लॉडी का जो आता है कॉज करवाता है, तो वो कहाँ से मिलता है, किस फैमिली का मेम्बर्स हैं? तो हमारे ये कॉल्चिसिन होता है हमारा, जो लेडियसी से बन मिलता है और कॉल्चकम एंटोमेल से बनता है, ठीक है। इसके हमको फिगर दिए गए हैं, एलियम सेपा, एलियम सेपा जो हमारा ऑनियन प्लांट दिया गया है, ठीक है, उसके बारे में हमको दिखाया गया है। ए जो है हमारा ये प्लांट के बारे में दिखाया गया है। बी जो हमारा इनफ्लोरेसेंस के बारे में दिखाया गया है हमारा, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस यानी हमारा ये एक टाइप का रेसमोस इनफ्लोरेसेंस है, ठीक है। और इसमें हमको दिखाया गया है फ्लावर सी वाला, जो हमारा ये फ्लावर दिखाया गया है। फ्लावर में जो हमारा हो गया, यहाँ पे जो होंगे ग्रीन कलर के होंगे वो कैलिक्स होंगे, आउटर मोस्ट पिकरोला होंगे, ठीक है। ये एंडोसियम हो गया, ये हमारे जो होंगे बीच में ये गाइनोसियम हो जाएगा, ठीक है। ये हमको फ्लावर डायग्राम दिखाया गया है, फ्लावर डायग्राम दिखाया गया है। कैलिक्स ट्रिपलेट की यूनिट में है ना, ये मदर एक्सिस होगी हमारी, ये हमको ट्रिपलेट की यूनिट में दिखाए गए हैं तीन तीन, ठीक है। ये हमारा जो डायग्राम है, डायग्राम के बेसिस पे भी हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हम डायग्राम को देख लेंगे, थोड़ा मेमोराइज कर लेंगे, दो तीन बार सिंपल तरीके से इसको हम ड्रॉ करेंगे और हमको याद हो जाएगा। मैंने आपको फैबेसी फैमिली का स्ट्रक्चर नहीं दिखाया था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो फैबेसी फैमिली का स्ट्रक्चर जो था, मैंने बाई मिस्टेक वो मेरे से छूट गया था, तो फैबेसी फैमिली का हम आपको स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। ये फैबेसी फैमिली का जो था हमारा पाइसम सेटाइबम का हमको स्ट्रक्चर दिया गया था, ठीक है। पी प्लांट का ये हमारा जो फ्लावर ट्यून दिखाया गया हमको, ठीक है, ये वाला हमारा फ्लावर ट्यून दिखाए गए हैं। ये हमारे जो होते हैं पाइसम सेटाइबम जो हमको दिखाए गए हैं, ये लीप टेंड्रिल होते हैं, ठीक है, लीप टेंड्रिल, टेंड्रिल जो होते हैं हमारे चढ़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है, लीप टेंड्रिल हो गया। और हमारा जो हो गया बी वाला हमको फ्लावर दिखाया गया है, सी जो हमको पेटल दिखाए गए हैं ना, सी जो हमको दिखाए गए पेटल दिखाया गया, और डी जो हमारा वो है रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा एंडोसियम है, ठीक है, एंडोसियम है। और जो हमारा इसका एल सी सेक्शन दिखाया गया, कटा हुआ पार्ट दिखाया गया, यानी ये हमारा मटर का, ठीक है, मटर का हमारा ये पी का है, जो हमारा ये पी का एल सी सेक्शन दिखाया गया हमको। और जो हमारा होता है एफ वाला हमारा फ्लोरा डायग्राम दिखाया गया हमारा, फ्लोरा डायग्राम हमारा फैबेसी का इस टाइप का, सोलेनेसी का थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, और लिलिएसी का हमारा डिफरेंट टाइप का, तो हम सारे को सारे मेमोराइज कर लेंगे। हमको फ्लावर डायग्राम भी पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है। सो फिलहाल मेरा मॉर्फोलॉजी का चैप्टर जो अपना था वो ख़त्म हो गया, मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए है ना। अगर मेरी आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो सारी की सारी वीडियो जाके देखिए और अपना कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर करिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। इफ़ यू लाइक माय सेशन तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर माय वीडियो विद फ्रेंड्स। सो आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन, सो टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय बाय।